स्वागत है आप लोग का मैं चैनल में, तो मैं फिर से आ चुका हूँ कॉर्नर में। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ फोरेक्स स्कोप और डॉट में सबसे बेस्ट कौन सी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रेड डॉट सबसे अच्छी मुझे क्यों लगती है। तो वाइज रेड डॉट मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि फोरेक्स में जब हम लोग दिखाते हैं ऐसे करने लग जाते हैं, तो जब बंदा उधर चले जाता है तो हम लोगों को पूरा ऐसे करना पड़ता है, पूरा उसका अंदर उसका फिर उसको मार पाते हैं। लेकिन रेड डॉट में क्या है, इसमें सिर्फ आराम से ओपन, क्योंकि इसमें ज़्यादा कवर एरिया नहीं मिलेगा। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं फोरेक्स में ये पूरा कवर एरिया आप लोगों को दिख रहा है फोरेक्स स्कोप का पूरा, उसके बाद और रेड डॉट में क्या है आप लोग देख सकते हैं टेढ़े वेढ़े हो जाए आराम से। तो इसलिए मुझे अगर अचानक से एकदम सामने बंदा आ जाए, जैसे आप लोग ये देखिए अचानक से आ जाए स्कोप ओपन कर लें, स्कोप ओपन कर दिए और हम लोगों का एम नीचे चला गया, फिर हम लोग ऊपर करने में वो तब तक हम लोगों को इतना उड़ा देगा। लेकिन अगर फोर्स में ऐसा हुआ, अगर रेड डॉट में ऐसा हुआ तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग का एम तो इसलिए मुझे रेड डॉट ज़्यादा बेस्ट लगती है। और आप लोगों को कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है वो मुझे कमेंट में जरूर। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।